विभाग रांची से था, जिसमें कार्मिक प्रशासनिक सुधार, राजभाषा विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना 4447 26/7/2010 द्वारा गठित झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली 2010 के नियम 7(1) एवं 7(7) में संशोधन के संबंध में था, जिस पर मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। क्योंकि सभी एक नेचर का है, उसे अंत में विस्तार से बता दिया जाएगा। 11वां प्रस्ताव, झारखंड राज्य लिपिक सह टंकक अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त द्वितीय संशोधन नियमावली 2021 के गठन के संबंध में प्रस्ताव था, जिस पर मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। 12वां प्रस्ताव, झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त द्वितीय संशोधन नियमावली 2021 के गठन के संबंध में प्रस्ताव था, जिस पर मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। 23वां प्रस्ताव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट 10+2 स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 गठित करने के संबंध में प्रस्ताव था, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। 24वां प्रस्ताव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन संशोधन नियमावली 2021 गठित करने के संबंध में प्रस्ताव था, जिस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। 25वां प्रस्ताव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक एवं 10वीं स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 के गठन करने के संबंध में प्रस्ताव था, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 गठित करने के संबंध में प्रस्ताव था, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। और 27वां प्रस्ताव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट 10+2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संचालन संशोधन नियमावली 2021 गठित करने के संबंध में प्रस्ताव था, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। इन सभी जो 5 संचालन नियमावली में जो संशोधन प्रस्तावित था, उसमें स्वीकृति के साथ मंत्रिपरिषद द्वारा इस शर्त के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है कि अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। जो संशोधन प्रस्तावित है, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई है, उसमें पहला संशोधन अर्हता के संबंध में है। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अभ्यर्थियों को मैट्रिक संचालन नियमावली के संबंध में बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों का पहले प्रावधान था कि वे मैट्रिक एवं 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, और वर्तमान प्रस्तावित संशोधन है कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। यह संशोधन 5 संचालन नियमावली में और साथ ही साथ 3 जो नियुक्ति नियमावली बताए गए, उन सभी में यह संशोधन किया गया है, और जिस पर मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृति के साथ इस शर्त को जोड़ा गया है कि अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के स्थान पर जो परीक्षा का स्वरूप है, यह पूर्व से ही मैट्रिक और इंटर के स्तर के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह संशोधन किया गया था कि सिर्फ मुख्य परीक्षा होगी, लेकिन ये कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा विभाग के जो 5 संचालन नियमावली है, इसमें स्नातक के लिए भी प्रारंभिक परीक्षा को समाप्त करते हुए सभी परीक्षाओं के लिए परीक्षा 1 चरण मात्र
मुख्य परीक्षा दी जाएगी, यह प्रावधान रखा गया है। पहला पत्र जो है भाषा ज्ञान का, वह मात्र क्वालिफाइंग होगा, जिसमें पूर्व में भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा क्वालिफाइंग रखा गया था। इसमें संशोधन यह किया गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। जो पहले अलग अलग हिंदी और हिंदी में 30 और अंग्रेजी में 30 का क्वालिफाइंग रखा गया था, वह अब जोड़ करके संयुक्त रूप से क्वालिफाइंग निर्धारित किया जाएगा। और इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। पत्र दो, चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पत्र तीन, सामान्य ज्ञान में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और पत्र दो जो कि चिन्हित क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, और पत्र तीन जो कि सामान्य ज्ञान है, इन दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा। पेपर टू हो गया चिन्हित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, और पेपर थ्री हो गया सामान्य ज्ञान। दोनों में इंडिविजुअली पास करना होगा, 30% अंक लाना होगा, और पेपर टू एंड थ्री को जोड़ करके मेधा सूची का निर्धारण होगा। जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा चिन्हित हैं, उसमें संशोधन है। राज्य स्तरीय पदों के लिए जो चिन्हित 12 भाषा रहेंगे, वे हैं उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया। ये राज्य स्तरीय के लिए ये 12 भाषा किसी एक भाषा की परीक्षा में विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं। ये 12 भाषा चिन्हित किए गए हैं। और जिला स्तरीय पदों के लिए जिलावार चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का विकल्प होगा, जिसके लिए अलग से सूची एवं पाठ्यक्रम कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग द्वारा इसे अलग से सूचित किया जाएगा। तो मुख्य रूप से यही संशोधन है, जो कि सभी संचालन नियमावली जो 5 और 3 नियुक्ति नियमावली में प्रस्ताव संशोधन प्रस्तावित है, यही संशोधन सभी में किए गए। धन्यवाद।